ये जो मार्ग है मंडी से मनाली तक, ये व्यावसायिक और जितना भी ट्रैफिक है या पर्यटक जाने हो, इसी रोड से आगे पीछे आगे जाते हैं। और लगातार करोड़ों रुपए केंद्र सरकार के आने के बाद यहाँ की सरकार और यहाँ का प्रशासन, ना कोई वैकल्पिक मार्ग यहाँ होना चाहिए उसको आज तक तलाश नहीं कर पाया। करोड़ों रुपए आए हैं, इसकी रिहैबिलिटेशन और रिपेयर होना चाहिए। दोबारा से लोग कैसे बसें उस पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए, लेकिन कोई ध्यान सरकार का नहीं है। मंत्री, मैं अभी सुन रहा था, 2-3 दिन पहले मंत्री का एक बयान था कि पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आए, और कल इसी स्थान पे आपने देखा होगा और हम अभी देख के आए इस स्थान को, एक बस जम्मू से, जो मनाली मनाली से जम्मू चलती है, उसमें घायल हुए हैं लोग, उनके ऊपर पत्थर गिरा, चट्टानियां गिर रहा, और ऊपर से और चट्टाने आने की यहाँ बिल्कुल पूरी संभावना है, और जान पे जोखिम जोखिम पे डाल के लोग यहाँ सफर कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन बुरे तरीके से विफल है, और मंत्रियों की स्टेटमेंट कि हिमाचल प्रदेश में रोड खुल चुके हैं और मंत्री और यहाँ पर्यटक आ जा सकते हैं, जो यहाँ के लोग हैं सरकार उनके बारे में चिंतित नहीं है, और जो पर्यटक हैं बेचारे उनको भी और उनके बाल बच्चों को भी ये खर्च करने में आगे जुटे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये सरकार अपने ऐसी बयानबाजी बंद करे। और अभी हाल ही में जयराम जी ने एक तथ्य पे आधारित इनका एक बयान था कि जयराम जी बाढ़ पे जो है वो राजनीति कर रहे हैं। मेरा ये मानना है, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको ये बात कहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ केंद्रीय मंत्री आए हैं, यहाँ की सरकार कितना सीरियस है, यहाँ के ENC नहीं थे, यहाँ के दूसरे अधिकारी मौजूद नहीं थे, और मुख्यमंत्री बार बार फोन कर रहे थे।